उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के सपा नेता ने जिनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल रैली निकाली गई। वहीं यात्रा जगह जगह से बड़े नेताओं के नेतृत्व में निकाली गई। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की यह साइकिल रैली सरकार की सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं जनपद श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी ने जिनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई। वहीं इस जयंती के अवसर पर हर तहसील और ब्लॉकवार साइकिल यात्रा निकाली गई। वहीं इसी सिलसिले में सोनवा स्टोर से निकलने वाली समाजवादी पार्टी की रैली को समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यासिर शाह ने झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि यह यात्रा सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ है, अब सरकार का पतन होना है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले साइकिल रैली निकाली थी। वहीं मीडिया के सवाल पर पूर्व मंत्री यासिर शाह ने जवाब दिया, जिसका साइकिल निशान है वही साइकिल 2020 में विधानसभा में पहुंचने वाली है। वहीं इसी मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली में शिरकत की। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा आज 5 तारीख को ये निर्देश दिया था कि जिनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर हम पूरे उत्तर प्रदेश में आज साइकिल यात्रा हर तहसील पे निकालेंगे और एक बिगुल बजाएंगे 2022 में जो ये अतताई सरकार है जो हर तरह से जुल्म कर रही है, चाहे वो बिछड़ों पे हो, चाहे वो दलितों पे हो, चाहे वो ब्राह्मणों पे हो, चाहे किसी पे भी हो, सब त्रस्त है इनसे, उसके खिलाफ 2022 में 351 का माननीय जी का लक्ष्य पूरा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे बिगुल बजाएं। अखंड भारत न्यूज के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट, श्रावस्ती।